देखिए लग चुका है प्लांट और ये आराम से खड़ा है और इतना मैं जगह रखी हूँ। फ्रेंड्स ये गेंदा प्लांट रोपने के लिए, ये अलग गेंदा देखिए ऐसे मुट्ठी करके बनाई हुई है मिट्टी का। तो इसको मैं रोपने के लिए क्या क्या खाद ले रही हूँ बता दे रही हूँ। यहाँ पे है मिट्टी, नॉर्मल गार्डन सॉइल, ऐसी सॉइल जो बिल्कुल ही भुरभुरी है, दोआस मिट्टी है। इसमें मैं भूसा मिलाई हूँ, आधा भूसा और आधा मिट्टी। इसमें डालूँगी मैं साफ फंगीसाइड एक प्लांट के लिए, मैं एक प्लांट के लिए बना रही हूँ यहाँ पे मिट्टी। सिंगल सुपर फॉस्फेट थोड़ी सी मात्रा में, आधा चम्मच नीम खली, आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, नीम खली ख़राब ही नहीं होता है प्लांट में, नीम खली से प्लांट ख़राब नहीं होती है और अच्छा ही होता है प्लांट का, सॉइल मिक्सचर बनता है बढ़िया और प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचती है। तो आप नीम खली ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं एक मुट्ठी जैसे ली हूँ, लेके ये सबको मिला दूँगी। अभी मैं गोबर खाद नहीं डालूँगी इसमें, प्लांट जब लग जाएगी तब मैं इसमें गोबर का खाद डालूँगी ऊपर से आधा इंच के हिसाब से। ये जो ग्रो बैग है 8 इंच का, इसमें मैं सॉइल मिक्सचर भर के अभी लगा दूँगी और इतना मैं खाली रखूँगी, फिर मैं जब प्लांट लग जाएगी 4-5 दिन बाद आधा इंच के करीब गोबर की खाद ऊपर से डाल दूँगी। गोबर की खाद की पानी अंदर जाएगी, अपना काम करती रहेगी। अभी मैं इसी सॉइल मिक्सचर में ये गेंदे प्लांट सबको लगाऊँगी। पहले मिट्टी भर लेती हूँ थोड़े से, थोड़ा मिट्टी भर के ग्रो बैग में नीचे ऐसे चाप देने चाहिए, नहीं तो यहाँ पे लूज़ रह जाती है और वहाँ पे एयर गैप बनती है। नीचे का मिट्टी को आप दबा के ही लगाएं और जब प्लांट बिठाएंगे तब थोड़े हल्के हल्के दबा दें और पानी से जितने एयर गैप रहेंगे वो हट जाएंगे, लेकिन जो नीचे का मिट्टी है उसको ऐसे ही दबा दें, ऐसे दबा दें, चाहे पॉट में लगाए चाहे ग्रो बैग में लगाए। देखिए ये थोड़ी सी मिट्टी से बांधी हुई है, ये रंग मेरे पास नहीं थे, बिल्कुल कत्थी कलर का जो होता है, कत्थई कलर का वो रंग मेरे पास है, ये लाल वाले नहीं थे। पिछले साल मैं लेके आई थी ऐसे लाल गेंदा फूल, तो उनका सीड मैं रखी थी कहीं खो गया, इसीलिए मैं फिर से इस बार लाई हूँ। तो इस बार लगाया हुआ प्लांट नहीं मिला, ऐसे ही मिला है, अब इसी को लगा के देखूँगी। आप ये कागज़ के सहित लगा सकते हैं, कागज़ सड़ जाएगी अंदर। देखिए लग चुका है प्लांट और ये आराम से खड़ा है और इतना मैं जगह रखी हूँ। आगे चल के 5-6 दिन या 8 दिन बाद जब प्लांट बिल्कुल अच्छी तरह से लग जाएगी तब मैं इसके ये जो पॉट का खाली जगह है यहाँ पे मैं इतना सा आधा इंच के करीब गोबर खाद दे दूँगी, थोड़ी सी मिट्टी मिला के और ऊपर से पानी डालती रहूँगी, तो गोबर का खाद अंदर जाएगी और अपना काम करेगी प्लांट का ग्रोथ में। कोई कोई फूल टूट भी गए हैं, एक बार ज़्यादा मात्रा में प्लांट लाने से ऐसे ही होता है। अब ये हो गया, इसमें अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल पानी डालना है। पानी डाल के मैं छायादार जगह में रखूँगी 2 दिन, उसके बाद मैं थोड़े थोड़े जहाँ धूप आते हैं वहाँ रखूँगी 3-4 दिन, उसके बाद मैं इसको तेज़ धूप में रखूँगी, क्योंकि इसके रूट के सारी मिट्टी को हटा दी गई है और ऐसे थोड़ी सी मिट्टी बांध के बिक रही थी,
इसीलिए मैं इसको थोड़े छांव वाली जगह में रखूंगी 2 दिन। आप लोग भी अगर ऐसे मुट्ठी वाला जैसे मिट्टी को मुट्ठी बांध के जो बिक रहा है प्लांट उसको लगाए, तो पहले 2-3 दिन आप छांव में रखें, फिर धीरे धीरे इसको धूप में लेके जाए ये सब प्लांट को। तो बाय फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अगर हो सके तो लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।